नाउ भारत का गौरव, भारत का इतिहास, नालंदा यूनिवर्सिटी ये फाइनली वापस आ चुकी है। 815 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है बन चुका है। इतिहास में जो एक ट्रेजेडी हुई थी वापस उसकी एक आप कह सकते हैं नई शुरुआत हो चुकी है। नालंदा है उद्घोष ये सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। देखिए ये छोटी बात नहीं है कि आज 2024 में भी 815 साल से भी ऊपर हो चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय हुए, मगर आज भी जब हमें प्रेरणा चाहिए होती है, जब हमें चाहिए कि एक डायरेक्शन के आगे देश कैसे बढ़ेगा, साइंटिफिकली हम आगे एडवांस कैसे करेंगे, हम फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऑफकोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई इमेजेस है, मगर इससे आप समझ पाओगे कि उस टाइम 1193 में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जब एक इन्वेडर आया इंडिया में और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जो यहाँ पर स्कॉलर्स थे उनको मार दिया और पूरी दुनिया को मैं कहूंगा कई सदियों पीछे धकेल दिया, क्योंकि जो नॉलेज नालंदा विश्वविद्यालय में थी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, वेरियस टॉपिक्स से रिलेटेड जो यहाँ पर नॉलेज थी, जो यहाँ पर श्लोक थे, ये पूरी दुनिया को बेनिफिट कर सकते थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर ज्यादा तो नहीं बोल रहा, अतिशोक्ति तो नहीं कर रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता था, देखिए ये मेरे शब्द नहीं है, आप फॉरेन मीडिया देख लीजिए, दुनिया भर के जो वेरियस रिसर्च पेपर्स है अबाउट एंशियंट यूनिवर्सिटीज वो पढ़ लीजिए, हर जगह आपको एक सेंटेंस कॉमन मिलेगा, नालंदा द यूनिवर्सिटी दैट चेंज द वर्ल्ड। हम काफी बार ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी वैसे मैं आपको बता दूं बहुत प्राचीन है। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी भी आज से 1100 साल से भी पहले 1096 AD में स्थापित हुई थी, मगर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्थापित होने से 500 साल पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका था और दुनिया भर से 10,000 स्टूडेंट्स इंडिया में आते थे पढ़ने के लिए। और जो योगदान वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट निकले हैं, यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई है जिसके बेसिस पर बाद में पश्चिमी सभ्यता ने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस करी। ये सब काम एशिया के लिए, मैं अगेन सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा, पूरे एशिया की बात करूंगा, एशिया के लिए नालंदा विश्वविद्यालय कर सकता था, मगर एक आप अपने आप में कह लीजिए ट्रेजेडी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, इसको कभी जलाया नहीं गया, यहाँ के प्रोफेसर्स को कभी मारा नहीं गया, मगर नालंदा यूनिवर्सिटी का आप कह लीजिए फेट, किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। और मैं जितना हिस्ट्री में पढ़ता हूँ कि किस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने बचा के रखा है, उतना मैं सोचता हूँ काश हमारे यहाँ भी लोग इतना दूर का सोच पाते। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में आपको पता होगा नाजी जर्मनी और यूके ये आमने सामने थे, रोजाना नाजी जर्मनी के बॉम्बर्स यूके में बॉम्बिंग करते थे, यूके के बॉम्बर्स जर्मनी में बॉम्बिंग करके आते थे, कई सालों तक ये आम बात रही, मगर उस वक्त एडोल्फ हिटलर और यूके के लीडर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो रखी थी कि हम एक दूसरे की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेंगे, हो सकता है कि कभी सिविलियन पॉपुलेशन को भी गलती से टारगेट कर लिया जाए बट यूनिवर्सिटीज को नहीं छुएंगे। ये एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग थी कि यूके जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज है, बर्लिन यूनिवर्सिटी, वेरियस और यूनिवर्सिटीज, उनको बॉम्ब नहीं करेगा। और हिटलर ने भी अपनी एयरफोर्स को साफ साफ कहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बॉम्ब मत कर देना। ऑब्वियसली इसके पीछे हिटलर का ये भी सपना था कि जब वो यूके को कब्जा लेगा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो उसके लिए एक जूल होगा, जो वहां पर साइंस प्रोड्यूस होती है, जो वहां पे नॉलेज प्रोड्यूस होती है, वही हिटलर के एम्पायर को आगे लेके जाएगी। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों को पता था कि यूनिवर्सिटीज अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो एक पूरी सभ्यता कई सदियों पीछे चली जाती है। और नालंदा यूनिवर्सिटी सिंस ग्लोबली इतनी जरा फेमस थी, दुनिया भर से स्टूडेंट्स चाइना से, टर्की से, मॉडर्न डे इंडोनेशिया से, एशिया के कई जो और मॉडर्न डे कंट्रीज है, थाईलैंड, म्यांमार, दूर दराज से स्टूडेंट्स
यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए आते थे, तो ऑब्वियसली इन्वेडर्स को भी पता था कि इस यूनिवर्सिटी को अटैक करेंगे ना तो लूट बड़ी मिलेगी, सिंस हजारों लोग यहाँ पर है तो काफी कुछ ये लोग लूट पाएंगे। और इसलिए सबसे पहली बार नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ था 455 एडी के आसपास, जब हंस ने, जी हाँ, हन एम्पायर जो सेंट्रल एशिया में एग्जिस्ट करता था, जिनका एक बहुत ही फेमस लीडर था अटिला द हन, जिसने पूरे यूरोप में कहर बरसा रखा था, उसने अटैक किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। नाउ ये अटैक काफी बुरा था, मगर पूरी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। फिर एक और अटैक हुआ 7th century में, जब उस वक्त के जो बंगाल के एम्परर थे उन्होंने अटैक किया था इस यूनिवर्सिटी को। उस टाइम रीजन था पॉलिटिकल टेंशन, मगर तब भी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो गई, सबको जला दिया गया, ये यूनिवर्सिटी फिर वापस खड़ी हो गई। जो अल्टीमेट अटैक इस यूनिवर्सिटी पे हुआ, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हो पाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो अटैक किया था बख्तियार खिलजी ने। ये एक जनरल था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर सर्व कर रहा था, टर्किश था, इंडिया का था भी नहीं, शायद एक बार को आप कह सकते हैं ये इतना ज्यादा इल इन्फॉर्म था, इतना अनएजुकेटेड था कि इसको पता ही नहीं होगा कि ये कर क्या रहा है, ये पूरे एशिया को कितनी सदियां पीछे धकेल रहा है। मगर तब भी हिस्ट्री में जब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं कि 90 लाख बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिया गया, तो जनरली मन में एक सवाल आता है कि पता नहीं कितनी नॉलेज, कितने फॉर्मूलास, कितने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इन मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा होगा, जो इंडिया के कई स्कॉलर्स को इन द फ्यूचर आगे एम्पावर कर सकते थे। और आप सोच कर देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी का जलना ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि कई सदियां बीत गई, 800 साल बीत गए, हमारे देश के स्कॉलर्स भूल नहीं पाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इन्होंने 2006 में कहा था कि क्यों ना बिहार में जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, इसके बिल्कुल साथ में हम एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाएं, दुनिया भर की कंट्रीज को इनवाइट करें, उनके स्टूडेंट्स को इनवाइट करें, एक शुरुआत करें, फिर से नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा होगा। क्योंकि देखो, नालंदा अपने आप में आज भी एक ब्रांड है एजुकेशन की दुनिया में। जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी ये नाम सुनके ही उनके माइंड में रिस्पेक्ट आती है। तो सरकार ने उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया। भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, कई कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया गया कि आप भी यहाँ पर योगदान दीजिए, आप भी अपने आइडियाज दीजिए, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो यहाँ पर कोर्स होगा, जो सिलेबस होगा उससे रिलेटेड, और वापस नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करते हैं। और अभी जो इसका नया कैंपस है ये भी हो चुका है इनॉग्रेट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है कि इस यूनिवर्सिटी के वापस खड़े होने से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जो एक टाइम पर दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, ये वापस रीइंट्रोड्यूस होगी। ना हो गया, देखो, सॉफ्ट पावर तभी बन पाएगी जब यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे। तो बिहार की एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को लाना, इट विल बी चैलेंजिंग काफी, क्योंकि इंडिया की इमेज हमको काफी इसमें इम्प्रूव करनी होगी, हमें एश्योरेंसेस देनी होगी बाकी कंट्रीज को कि आपके जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे ये बिल्कुल सेफ रहेंगे, यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। परहैप्स ये करने के लिए सरकार को बहुत सारे ग्रांट्स भी देने पड़े इस यूनिवर्सिटी को। तो देखना होगा इवेंचुअली नालंदा यूनिवर्सिटी जो नाम है ये हमने वापस बोर्ड पे लगा दिया है, एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है, मगर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज से कई हजार साल पहले इस यूनिवर्सिटी में मिला करती थी, क्या वही एजुकेशन हम दे पाएंगे आज के समय या नहीं, ये देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बट इधर वे एक शुरुआत हो चुकी है। हिस्ट्री में जो एक ट्रेजेडी हुई थी, हमारी कोशिश है कि उस ट्रेजेडी को पीछे रख के हम एक नई शुरुआत करें।